हाय फ्रेंड्स, मैं फैयाज। फ्रेंड्स, आज का वीडियो हैरियर में बनाने जा रहा हूँ। इसकी मैं सर्विस करने जा रही हूँ, ऑयल सर्विस। तो सर्विस में क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, डीजल फिल्टर, ये सब मैं इसका चेंज करूँगा। और इसका सर्विस लाइट रिसेट कैसे होता है नॉर्मली, वो भी मैं बताऊँगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये इसका इंजन है क्रोटेक, और ये 2 लीटर में है इंजन इसका। तो हम सारे चीज़ों का लोकेशन मैं बता दूंगा कि ऑयल फिल्टर कहाँ पे है और डीजल फिल्टर। डीजल फिल्टर आप देख सकते हैं, ये है। डीजल फिल्टर भी चेंज करना है, ये एयर फिल्टर है। और नीचे से हमें ऑयल ड्राई करना है, तो नीचे इंजन ऑयल जहाँ से हम गिराएंगे वो मैं दिखा दे रहा हूँ, और ऑयल फिल्टर कहाँ पर वो मैं दिखा रहा हूँ। और ये प्लेट खोलनी पड़ती है, एक छोटी सी देख रहे हैं, उधर प्लेट रखी है। और ये इसका चेंबर है, और ये इसका डाग नट है। बस ये डाग नट जो है इसका ओरिजिनल नहीं है, इसमें वेल्ड किया गया है, आप देख सकते हैं। और ये जब खुल जाता तो मैं इसका ओरिजिनल दिखाऊंगा अभी। नट मुझे दे देना। देख सकते हैं इसमें वेल्ड कराया गया है। इसमें एलेंकी वाला होता है डग नट, बट इसमें स्लिप हो गया होगा, इस वजह से इसमें नट वेल्ड करा करके तब इसको खोला गया पहले। तो ये राइट हैंड का, ये देखिए राइट हैंड है, ये राइट हैंड का जो पहिया है इसको खोलने के बाद हमें ऑयल फिल्टर का मैं लोकेशन दिखा रहा हूँ आपको। अब ये देखिए, ये लोकेशन है ऑयल फिल्टर का। तो यहाँ से ये ऑयल फिल्टर खुलेगा। तो अभी हम ये प्लेट भी छोटा वाला हटा लेंगे इसको खोल करके, ये, और उसके बाद ऑयल फिल्टर हम बाहर ले लेते हैं। और ये ब्रेक पैड है, तो ब्रेक पैड भी हमें चेक करना होता है कि क्या पोजिशन है। तो आप देख सकते हैं कि ब्रेक पैड बिल्कुल ही सही पोजिशन पर है अभी, ये अभी बिल्कुल सही है। तो ब्रेक पैड रहने देंगे, नहीं चेंज करेंगे, बट ऑयल फिल्टर, इंजन ऑयल, कूलेंट, डीजल फिल्टर, ये सब चेंज होगा। और ये देखिए ऑयल फिल्टर है। और एक चीज़ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये अक्सर तब दिया जाता है जब कहीं से हमें ब्लेडिंग करनी यानी एयर निकालना होता है तब। तो इसके बारे में बताऊँगा अभी, पहले हम ऑयल फिल्टर खोलते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें 32 नंबर का गुटका लगता है ऑयल फिल्टर बॉडी में। तो ये ऑयल फिल्टर भी खुल गया। और ये डीजल फिल्टर है हमारा, ये 2 पाइप हैं, और यहाँ से ये 2 बोल्ट लगे हुए हैं, यहाँ से भी खुल जाएगा और यहाँ से भी निकल जाएगा। बट इसमें देखिए कपलर लगा हुआ है, और ये लॉक है इसका, जिसे हम लोग ACM का कपलर निकालते हैं ना, वैसे ही इसमें सेम प्रोसेस है। लेकिन इसमें ये भी टूट गया है, जैसे अभी देखा डाग नट जुगाड़ किया हुआ था उसमें। और इसमें भी जो है ये ACM की तरह इसको हम लोग ओपन करते हैं कपलर को, लेकिन इसमें टूट गया है। तो अभी हम इसमें पेचकस दबा डाल करके और फिर इसको पीछे करके कपलर निकालेंगे। ये देखिए पीछे करके सेम, देखिए जैसे ACM वाला होता है ना वैसे ही सेम है। बट किसी कोई मैकेनिक जो है इसको निकालने के लिए, ये टूट गया है जो भी है, उसके बाद हमें ये पाइप निकालेंगे दोनों, और ये आराम से ही निकल जाएगा। ये दोनों दबा करके निकालते हैं, ये देखिए ये निकल गया, वैसे ये भी निकलेगा। और ये बोल्ट खोल के बस बाहर डीजल फिल्टर निकालते हैं, फिर मैं अंदर खोल कर दिखाऊँगा डीजल फिल्टर कैसा है। ये इसका एयर फिल्टर है, देखिए एयर फिल्टर के ये सब पेच लगे हुए, 6 पेच हैं ये। और ये इसका एयर फिल्टर है, तो एयर फिल्टर भी देख सकते हैं आप, बिल्कुल चोक हो गया है। तो इसको भी हम चेंज करेंगे। तो ये डीजल फिल्टर है, और इसको अभी खोल लें। और ये इसका डीजल फिल्टर है, निकालो, ऐसे करके खींच लो इसको बाहर। ये लेफ्ट साइड से जो है लेफ्ट जो दरवाज़ा है आगे का, और उसके बाद हम इसके अंदर जाएंगे। और ये देखिए AC फिल्टर का लोकेशन आपको ये दिख गया, ये AC फिल्टर है, ये निकाल दे रहा हूँ, ये देखिए निकल गया। ये देखिए ये AC फिल्टर है, तो हम AC फिल्टर भी अभी चेंज करेंगे। ये वो पुराना वाले पड़े हैं, और इसमें सारे टाटा में ये एयर फिल्टर है, और ये AC फिल्टर है, और ये डीजल फिल्टर है टाटा में, और ये ऑयल फिल्टर निकल, ये ऑयल फिल्टर है। तो सबसे पहले हम डीजल फिल्टर इसका चेंज करेंगे, इसको निकालो, इसको फिट करो। ये डीजल फिल्टर है और हम इसको चेंज करेंगे। तो ये देखिए,
और इसमें दिखा देना, ये देखिए इसमें सुराख दिख रहा, और ये वाला पाइप जो है इसमें जाकर के फिट होगा डायरेक्ट, ऐसे बैठा दो थोड़ा सा नीचे, अंदर जाएगा पूरा बैठ जाएगा ओरिंग से, बैठ गया। उसके बाद फिर इसमें लगा करके बोल्ट टाइट कर देना है, ये कपलर रख करके दबा करके हल्का सा, और इसको हम पुश करेंगे अपने आप, ये देखिए बैठ गया, और उसके बाद हम लॉक को दबा देंगे, ये पाइप लग गया, ये इसके बाद ये एयर फिल्टर लगा, फिल्टर हम लगाने जा रहे हैं, देखिए ये उसमें पहले बैठाल करके उसके बाद ये कैप टाइट हो जाएगा, कैप में ओरिंग लगता है, ओरिंग चेंज कर दिया मैंने, सीधी चुड़ी हाँ बस ठीक, और 32 नंबर गुट कैसे ये टाइट हो जाएगा, डगनट टाइट करो एक लो, और ये डगनट टाइट हो रहा, ये डगनट टाइट हो जाए उसके बाद फिर ऊपर आते हैं। ये अब एसी फिल्टर लगाने जा रहा है, यहाँ से निकला था, मैंने दिखाया था निकालते समय, और इसको करके ये वाला लॉक जो दिख रहे हैं आपको ये बदल दिया जाएगा। से हम लोग यहाँ से ऑयल डालेंगे, देखिए मैंने खोल दिया है, और ये इंजन ऑयल डालेंगे हम 5W40, और आप देख सकते हैं ये फुली सेंसिटिव है, एडवांस फुली सेंसिटिव, तो हम इसमें 5 लीटर आएगा, तो 5 लीटर हम लोग डालते हैं अभी इंजन ऑयल इसमें। जब हम ये सर्विस कर लेंगे और डीजल फिल्टर जब हम चेंज करते हैं, तो डीजल फिल्टर चेंज करने के बाद इसका एयर निकालना पड़ता है, और एयर भी कोई बहुत खास ज़रूरी नहीं है कि एयर निकालना पड़े, चाबी आपको लेकिन 2 से 3 बार जो है ऑफ ऑन करना होगा, तो जरा चाबी ऑन करो, ये देखिए तो हमारा डीजल आ रहा है, वो रिटर्निंग से निकल जाता है एयर इसका, इसमें एयर की बहुत ज़्यादा झाम नहीं है, लेकिन 3 से 4 बार आपको चाबी ऑफ ऑन करके उसके बाद ही स्टार्ट करनी होगी गाड़ी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसका चाबी हमारा ऑफ ऑन हो गया, और अब हम इसको टाइट करके गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट हो गई, और ये वाली जो लाइट आ रही थी वो चली गई, और अभी इसमें ये देखिए सर्विस की आ रही है, तो इसको हम अभी सर्विस रीसेट करेंगे। तो फ्रेंड्स हम इसमें सर्विस लाइट रीसेट करेंगे, आप देख सकते हैं ये वाली जो लाइट आ रही है इसको रीसेट करना, तो सर्विस करने के बाद हम रीसेट करते हैं, तो इसमें देखिए मोड लिखा हुआ है इस तरफ, इस मोड को हमें प्रेस करके 0 पे लेकर आना है, ये देखिए 0 हो गया, 0 होने के बाद हमें सेट जो इस तरफ दिख रहा है आपको इसको प्रेस करके रखना है, और प्रेस तब तक करना है जब ये बिलिंग करने लगे, तो अभी देखिएगा ये बिलिंग करेगी जो 0 दिख रहा है आपको, ये देखिए, उसके बाद फिर 1 सेकंड के लिए छोड़ देना है, उसके बाद फिर हम दोबारा इसको प्रेस कर देंगे, और दोबारा तब तक प्रेस करके रखना है जब तक ये बिलिंग खत्म ना हो जाए। अब ये देखिए लाइट भी चली गई, और ये सब जितने भी थे वो सब चले गए, तो ये सर्विस लाइट रिसेट करने का ये इसका प्रोसेस है, और बहुत आसान है, बहुत ज्यादा कुछ वैसा टेक्निक नहीं है इसमें। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।